वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के वार्ड नंबर 2 में हुसैन साहब हड़गले, उनका घर बिल्कुल ही आसपास बारिश से टूटकर गिर गया है और घरों में पूरा पानी घुस गया है। अब उनकी जिंदगी ही कुछ निराली हो गई है, यानी कि इतनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है विजयपुर शहर के लोगों को। ताकि अब यहाँ पर इतना पानी घुस जाने के बाद आखिर परिवार कैसे यहाँ पर जिंदगी कर सकते हैं, कैसे खाना पीना कहाँ पकवाएंगे और कहाँ खाएंगे और कहाँ सोएंगे। अब आते आते अब तो बारिश शुरू हो गई है। क्या आप इनके विजयपुर शहर के कहीं गलियों के लोगों का क्या बस स्टैंड में इनका गुजारा होगा, या फिर किसी रेलवे स्टैंड में होगा, या फिर किसी मस्जिद और मंदिरों में, क्या वहाँ पर क्या इनका गुजारा होगा? क्या ये सब होने से पहले क्या अधिकारी आकर क्या पानी हटाएंगे? क्या चेम्बरे जो भर कर बंद हो गए हैं, जो गटरे बंद हो गए हैं, क्या वहाँ पर क्या अपनी कर्तव्य निभाएंगे? क्या इसी तरह रात और दिन विजयपुर शहर के लोग क्या बारिश के झूले में क्या झूलते रहेंगे? अब तो ऐसा हो गया है विजयपुर शहर, ताकि कुछ भी तकलीफ हो जाने दो, कोई भी आवाज नहीं उठाता, खामोश हो जाते हैं लोग। किसी प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल ही आवाज नहीं उठाते, मगर कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, पानी में रहकर झेल सकते हैं, मगर रात दिन अपने परिवार को लेकर नींद नहीं, चैन नहीं रह सकते हैं रात भर, मगर आवाज उठा नहीं सकते। क्योंकि जहाँ पर कुछ गलियां है वहाँ पर आवाज उठाते हैं, मगर वहाँ पर कोई पानी हटाने वाला नहीं आ सकते। जहाँ पर लोग अपनी शर्मिंदगी से, बच्चे होते हैं बड़े बड़े घर में, महिलाएं होते हैं, बूढ़े बच्चे कुछ बीमार होते हैं, मगर उनका देखभाल आखिर कौन करेगा? जब वोट पूछने के लिए आते हैं, चुनाव आता है, हाथ पैर जोड़ते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ताकि कह देते हैं ताकि ये करेंगे काम, वो करेंगे, दिन में ही तारे दिखा के लीडरों ने आके जाते हैं, मगर कोई भी नहीं आ पाता। मगर यहाँ पर इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, इस स्क्रीन पे दिखाते तो रहे। वार्ड नंबर विजयपुर के 2 का है ये, अपने हमारे रिपोर्टर ने जाकर जा सकते तो नहीं, मगर खुद घर वालों ने ही ये अपने ही मोबाइल से कैमरा किया और वास्तव न्यूज को ये भेज दिया गया है, ताकि यहाँ के तकलीफ ले। क्योंकि रिपोर्टरों को जाने के लिए अब जगह नहीं बच गए, ताकि उतनी पानिया भर गए हैं, ताकि किधर से जाए और किधर से ना जाए। अगर रिपोर्टर भी जाएंगे तो जरूर वहाँ जाकर फंस जाएंगे। तब तो यहाँ पर क्या महानगर पालिका का क्या ऐसे मौसम में क्या चिकन बिरयानी वगैरह खाकर क्या अधिकारी सो गए हैं, या फिर यहाँ पर क्या कर्तव्य निभाएंगे? क्या यहाँ के लोगों की जो हाल चाल जानकर क्या यहाँ पर कुछ इनको मदद करेंगे? ऐसा कोई भी अब तक नहीं, 3 से 4 दिन हो गए बारिश होते हुए, कहीं घरे टूट फूट गए हैं, कई घरों में रात दिन बारिश निकालते निकालते ही उनकी तो नींदे ही हराम हो गई है, मगर अब तक कोई भी यहाँ पर नहीं पूछ पा रहे। ज्यादा कर सिर्फ फोन करते हैं मीडिया वालों को। आखिर मीडिया वालों का कर्तव्य यही है, ताकि जो चला है वो दिखाना है, फर्ज बन गया है, मगर तकलीफे तो नहीं ले सकते। अगर जो भी आपको मदद करेंगे तो मीडिया जरूर मदद करेगी, मगर सबसे पहले यहाँ के जो मेंबर है और अधिकारी है, जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उनका कर्तव्य होता है। बिल्कुल ही आप खामोश रहेंगे तो इसी तरह आप पानी के जैसे ही पानी में रहकर, जैसे समुद्र में जैसे जहाज रहती है, उसी तरह आपका घर जहाज की तरह बन गया है। आप जब भी इलेक्शन चुनाव आता है, जरा सोच समझ कर जरा वोटिंग कीजिए। हिंदू मुसलमान धर्म मजहब का नाम, धर्म का जो भी है, बिल्कुल ही निकाल दीजिए। जब तक आप सही फैसला नहीं लेंगे, इसी तरह गलियों में पानी घुसता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। देखेंगे वार्ड नंबर 2 का एक रिपोर्ट। आ गया फोन। ये वाला है सर, ये वाला है।
दीवाल पड़ी आ रहा है। चापा की पाएंगे करें सर को।